हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आप देख रहे हैं स्विच दिन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं दी बेस्ट लैपटॉप 100 रुपीज़ 40 के। तो आपका ये बजट कुछ इस तरह का ही है दोस्तों। आप लोग काफ़ी दिनों से एक लैपटॉप इसी प्राइस रेंज में ढूंढ रहे हैं, अभी तक आप लोगों को लैपटॉप मिला नहीं दोस्तों। तो ये वीडियो देख लेने के बाद आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको एक ना एक लैपटॉप पसंद आ ही जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो देख लेने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी लाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट में जो दो लैपटॉप फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों वो एसुस की तरफ से आते हैं। पहला जो है एसुस का व्यू 15 है, जिसमें आप लोगों को काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलते हैं दोस्तों। राइजन 5 का 3500U सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, 15.6 इंचेस का FHD डिस्प्ले आप लोगों को मिलता है दोस्तों। ये लैपटॉप काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो 1.9 kg जिसका वेट मिलता है वो आप लोग आराम से इसको लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं। 4GB का रैम मिलता है दोस्तों, जिसको आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं बाद में लेकर इसको, और 256GB का NVMe SSD जो मिल जाता है इसको भी आप लोग बाद में लैपटॉप लेने के बाद अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो रैम एंड स्टोरेज कम होने की वजह से आप लोगों को कोई भी दिक्कत बाद में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इसको आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है। बैटरी की बात करें दोस्तों तो आप लोगों को इसमें 32 वाट आवर्स का बैटरी मिल जाता है। सुनने में थोड़ा सा कम लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को इस प्राइस रेंज में अच्छी खासी बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो आप लोग इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा कि अगर आप लोगों का बजट 40 के है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। डिजाइन वाइज भी आप लोगों को एसुस ने काफी बढ़िया से डिजाइन यहाँ पर प्रोवाइड किया है, चाहे वो बात करें डिस्प्ले के बेजल्स की, बेजल्स काफी छोटे छोटे यहाँ पर आप लोगों को देता है। बिल्ड क्वालिटी भी आप लोगों को इस लैपटॉप में बढ़िया देखने को मिल जाता है, और टच पैड में ही आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो इस लैपटॉप को आप लोग फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हैं, तो ये काफी बढ़िया फीचर्स है। तो ओवरऑल ये लैपटॉप डिजाइन वाइज कहे, पोर्ट्स वाइज कहे, सारी फीचर्स वाइज एंड स्पेसिफिकेशन वाइज काफी बढ़िया है। तो आप लोगों का बजट अगर 40 के है तो इस फर्स्ट लैपटॉप का आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा दोस्तों। लिंक मैं आपको सारी का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको लेकर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके बाद एसुस की तरफ से वीवो 14 भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है दोस्तों, इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें इंटेल के लेटेस्ट कोर i3 10th जनरेशन के CPUs देखने को मिलते हैं दोस्तों। 14 इंचेस का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले जो दिया गया है दोस्तों, इसको लेकर आप लोग आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है वो सिर्फ 1.6 kg का रहने वाला है। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग को इस लैपटॉप को कंसिडर करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग को जो कॉम्पैक्ट डिस्प्ले एंड वेट मिलता है काफ़ी लाइट वेट, वो काफ़ी बढ़िया आप लोग को लगेगा। 4GB का रैम है, जिसको आप लोग अगेन अपग्रेड कर सकते हैं, और 256GB का जो SSD आप लोग को मिल जाता है, इसको भी आप लोग बाद में एक्स्ट्रा स्लॉट जो दिया गया है उसके साथ अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसको लेकर भी कोई भी हेडेक वाली बात यहाँ पर है नहीं दोस्तों। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को 37 वाट आवर का बैटरी प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें भी आप लोग अच्छी खासी बैटरी बैकअप तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है 6 आवर्स, आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 आवर्स तक। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग जैसे चलाइएगा आप लोगों को उसी तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों बैटरी बैकअप। डिजाइन की बात करें तो अगेन इसमें भी आप लोगों को डिजाइन काफी बढ़िया मिलता है, बेजल्स लेकर आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि बेजल्स काफी छोटे दिए गए हैं और इससे लगता है कि ये 2021 का लैपटॉप है। और बिल्ड क्वालिटी इसमें भी आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड का भी लेआउट आप लोगों को काफी बढ़िया से यहाँ पर नोटबुक जैसे अल्ट्राबुक जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल इसका भी डिजाइन वाइज लुक वाइज आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसके और भी वेरियंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ ही यहाँ पर आए, ताकि आप लोगों को अच्छे डील्स यहाँ पर मिल जाए। अब बात करें एसर की दोस्तों, तो एसर की तरफ से भी दो लैपटॉप्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस लिस्ट में, जो कि पहला है एसर का एस्पायर 5, जो कि आप लोगों को अगेन i3 10th जनरेशन के ही CPUs के साथ आता है। लेकिन इस लैपटॉप में आप लोगों को रैम जो है दोस्तों काफी बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोगों को जो 4G प्लस 32GB का ऑप्टेन मेमोरी के साथ ये लैपटॉप आता है। तो डे टू डे लाइफ में ये लैपटॉप आप लोगों को काफी बढ़िया स्मूथ एंड फास्ट लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो ऑप्टेन मेमोरी दिया गया है, एप्लीकेशन काफी फास्ट यहाँ पर लोड होंगे, एप्लीकेशन लोड टाइम काफी डिक्रीज हो जाएगा, और ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस इस लैपटॉप से काफी बढ़िया आ जाएगा।
तो ये एक प्लस पॉइंट इस लैपटॉप को मुझे लगा। 512 GB का जो SSD दिया जा रहा है, 40K के बजट में 512 GB का SSD देना, मुझे ये बात काफ़ी बढ़िया लगी। और इसमें जो आप लोगों को वेट भी दिया जा रहा है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, 1.50 kg का है। और जो डिस्प्ले साइज रखा गया है दोस्तों वो 14 inches का है। तो अगेन इसको भी आप लोग अगर लेके ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप लगेगा दोस्तों। और बैटरी बैकअप भी आप लोगों को इसमें 35 Wh का बैटरी मिल जाता है, जो कि अगेन इसमें भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। बैटरी बैकअप इसमें भी आप लोग काफ़ी बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये भी लैपटॉप आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। और डिज़ाइन वाइज भी आप लोगों को ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये देखिए आप लोग इसका जो डिज़ाइन है, आप लोगों को जो कलर्स इसमें मिल रहे हैं काफ़ी ग्रेडियंट टाइप इसमें आप लोगों को कलर दिया गया है। इसका जो कीबोर्ड का लेआउट भी दिया गया है काफ़ी ब्लैक में जो आप लोगों को दिया गया है, अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल ये भी बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश लुकिंग लैपटॉप है दोस्तों, तो उसको भी आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा कि आप अगर आप लोगों को एक बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया हो सकता है। और Aspire 5 के बाद Aspire 3 भी आप लोगों को इंटेल कोर i3 10th जनरेशन के CPU के साथ मिल जाता है दोस्तों। 15.6 inches का बड़ा सा फुल HD का डिस्प्ले आप लोगों को मिलता है। वेट आप लोगों को 1.9 kg का मिलता है। 4 GB का रैम मिलता है, 1 TB का HDD मिलता है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक कहूँगा, लेकिन इसका प्राइस को देखते हुए थोड़ा सा जस्टिफाई मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग SSD वाले लैपटॉप के साथ जाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को प्राइस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन HDD वाले लैपटॉप थोड़ा सा ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों का बजट थोड़ा कम है तो HDD के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप लोग SSD वाले लैपटॉप भी देख सकते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ आप लोगों को हो जाएगा, क्योंकि 2021 आ गया है, SSD वाले लैपटॉप ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग SSD वाले लैपटॉप के साथ जाएं, अदरवाइज आप लोगों का बजट बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्तों, तो मैं तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि SSD के साथ जाएं। HDD वाले भी ले लीजिए तो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मिल जाएंगे। बैटरी बैकअप की इसकी बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को 36.7 Wh का बैटरी मिल जाता है। तो अगेन इसमें भी आप लोगों को बैटरी बैकअप खासा अच्छा मिल जाता है। और डिज़ाइन वाइज भी लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, आप लोगों को 2021 के जैसा आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा ये कीबोर्ड का लेआउट भी आप लोगों को Acer की तरफ से बढ़िया ही दिया गया है। तो ये भी लैपटॉप आप लोग आराम से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। HP की तरफ से भी मैंने दो लैपटॉप आप लोगों के लिए रखे हैं दोस्तों, जो कि पहला है HP 15। ये भी लैपटॉप आप लोगों को 15.6 inches का FHD डिस्प्ले के साथ आता है, बड़ा सा डिस्प्ले है दोस्तों। Ryzen 5 3450U का सीरीज का चिपसेट आता है दोस्तों। 8 GB का रैम है, 1 TB का SSD है, लेकिन HP का ब्रांड है तो आप लोगों को ये अच्छा लग ही सकता है, मुझे ये लैपटॉप बढ़िया लगा। 1.76 kg का आप लोगों को वेट मिल जाता है, और Vega 8 का ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को इंटीग्रेटेड इसमें मिल ही जाता है। विंडोज 10 होम का सपोर्ट इसमें मिलता है। और बैटरी बैकअप जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग 41 Wh का लिथियम आयन फास्ट चार्ज के साथ ये बैटरी मिलता है। तो ये भी लैपटॉप इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया है, और HP के ब्रांड है, HP का ब्रांड वैल्यू आप लोगों को इसमें मिलता है, और डिज़ाइन भी HP ने काफ़ी बढ़िया इसमें लगा है। इसका डिज़ाइन मुझे इस लिस्ट में सबसे बढ़िया लगा। तो ये भी लैपटॉप आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, HP की तरफ से ये लैपटॉप आप लोगों को खासा बढ़िया में देखने को मिल जाएगा। और HP का और भी लैपटॉप्स हैं दोस्तों, जिसको मैंने वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया, तो आप लोग जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को एक बेस्ट डील मिल सके दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है दोस्तों HP 14S, जो कि आप लोगों को अगेन i3 का 10th जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर के साथ मिलता है। 4 GB का रैम है, 1 TB का SSD है, और आप लोगों को विंडोज 10 होम का सपोर्ट मिलता है। इंटेल का USD ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को इसमें मिल जाता है। ये भी लैपटॉप काफी बढ़िया है दोस्तों, 1.74 kg का वेट इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, और बैटरी बैकअप इसमें काफी बढ़िया रखा गया है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को इसमें 41 Wh का बैटरी आप लोगों को इस लैपटॉप में देखने को मिल जाए, जो कि काफी इंप्रेसिव है। HP अपने लैपटॉप से बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए आप लोग अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों को बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो HP के लैपटॉप के साथ जाएं, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आप लोगों को HP की तरफ से अब बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है दोस्तों। डिस्प्ले का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और बेजल्स आप लोगों को काफ़ी छोटे दिए गए, ये नहीं कि डिस्प्ले का साइज़ बड़ा हो गया और बेजल्स काफ़ी मोटे मोटे दे दिए गए, तो इसमें भी आप लोगों को अच्छी खासी डिज़ाइन के साथ ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। तो चेकआउट इस लैपटॉप को जरूर कीजिएगा, इसमें भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया कॉम्बो ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगेन ये लैपटॉप भी आप लोगों को काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है।
लिनोवो की बात करें दोस्तों, तो लिनोवो की तरफ से भी दो लैपटॉप मेरे पास है। एक है लिनोवो का आइडियापैड S145 AMD Ryzen 5 के प्रोसेसर के साथ जो आता है। इसमें आप लोगों को फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 8GB का रैम है दोस्तों, 1TB का HDD है, जिसको रैम को आप लोग आराम से अपग्रेड भी कर सकते हैं बाद में 12GB तक। और HDD जो मिल जाता है आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मीडिया स्टोरेज में हेल्पफुल लग जाएगा। लेकिन SSD वाले लैपटॉप चाहिए दोस्तों तो अगेन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर SSD लैपटॉप से बहुत सारे अपडेट किए हैं। और इसमें आप लोगों को वेट जो मिलता है 1.85 केजीज का वेट मिल जाता है, और MS Office 2019 का आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और इसमें जो आप लोगों को बैटरी बैकअप मिलता है वो है दोस्तों 35 वाट आवर्स का बैटरी। तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा बैटरी कम मिलता है कम्पेयर टू HP। तो मैंने जैसे ही कहा कि अगर आप लोगों को बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप लोग HP के साथ जा सकते हैं, नहीं तो लिनोवो के भी साथ आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि लिनोवो ने भी इसमें आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी कहे या फिर बेजल्स कहे इसमें काफ़ी बढ़िया रखे हैं। तो ये भी लैपटॉप आप लोग जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ज़्यादा जानना है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर आप लोगों को एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो, थोड़ा सा बल्कि हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों को एक अच्छा ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के साथ लैपटॉप चाहिए तो आप लोग लिनोवो का थिंकपैड E14 भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को i3 10th जनरेशन के साथ प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और 14 इंचेस का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 4GB का रैम मिल जाता है, 256GB का SSD मिलता है, तो SSD पावर लैपटॉप है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आएगा नहीं। और DOS आता है दोस्तों यहाँ पर, आप लोगों को विंडोज 10 नहीं मिलता है, तो आप लोगों को विंडोज़ खुद से इंस्टॉल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो प्राइस थोड़ा आप लोगों को कम मिल जाएगा, लेकिन विंडोज 10 आप लोग के लेंगे तो प्राइस ज़्यादा ऑब्वियसली पड़ जाता है। और इसमें जो वेट है दोस्तों 1.69 kg का मिल जाता है, और इसका जो बैटरी बैकअप है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। इस लिस्ट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया बैटरी लग सकता है, क्योंकि आप लोगों को इसमें 45 वाट आवर का बैटरी मिलता है, जिसमें आप लोगों को लिनोवो का रैपिड चार्ज का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन अगर हो जाता है तो उसको आप लोग काफ़ी फास्टली यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले ही कहा कि आप लोगों को अगर अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ लैपटॉप चाहिए बल्कि भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लैपटॉप आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ही है लैपटॉप दोस्तों। बेजल्स आप लोगों को इसमें भी काफ़ी छोटे दिए गए हैं, लेकिन विंडोज 10 अगर चाहिए दोस्तों तो इसको ना लें, क्योंकि इसमें आप लोगों को डॉस मिलता है, आप लोगों को खुद से झंझट उठाना पड़ेगा विंडोज 10 इंस्टॉल करने का, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दिया हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को अदर्स चाहिए तो लिस्ट नॉट भी लैपटॉप से चेकआउट जरूर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग डेल के भी लैपटॉप्स लेना चाहते हैं तो डेल इंस्पिरॉन सीरीज के आप लोगों को काफी लैपटॉप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने सारे लैपटॉप्स को यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है और मैं और ज्यादा लंबा ना करूँ, इसलिए मैंने जितने भी इंस्पिरॉन सीरीज के लैपटॉप अच्छे अच्छे हैं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए, तो उसको भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक लैपटॉप की बात करें दोस्तों, डेल इंस्पिरॉन 3510 का, जिसमें आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशन मिलता है वो काफी बढ़िया है। इंटेल i3 का प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, 10th जनरेशन का, 4GB का रैम, 1TB का HDD है, और इसमें आप लोगों को MS Office में मिल जाता है, और हाँ इसमें आप लोगों को Windows 10 Home का भी सपोर्ट मिलता है। Intel का HD ग्राफिक्स कार्ड है, और इसमें आप लोगों को डिस्प्ले है जो काफी बढ़िया मिल जाता है। ये लैपटॉप डेल की तरफ से आता है दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को अच्छा मिलेगा, और डेल का जो सर्विस है वो आप लोगों को अच्छा ज़्यादातर लगता है, तो डेल के लेकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल जैसा ब्रांड वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को डेल वॉच तो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 14 इंचेस के कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ आता है, और आप लोगों को इंटेल के 10th जनरेशन के लेटेस्ट प्रोसेसर आप लोगों को मिलते हैं i3 के, और 4GB का रैम है दोस्तों। और इसमें जो स्टोरेज है वो इस लिस्ट में सबसे बेस्ट मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि 1TB के HDD तो मिलता ही है, साथ में आप लोगों को 256GB का SSD भी मिल जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि SSD में विंडोज इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी आपके गेम मीडिया जितने हुए HDD में इंस्टॉल कर लीजिए, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। विंडोज 10 भी मिल जाता है, साथ में MS Office भी आप लोगों को इसमें मिल जाता है, और इंटेल का HD ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड आप लोगों को इसमें मिल जाता है। इसकी भी डिज़ाइन की बात करें तो ओवरऑल आप लोगों को डिज़ाइन उतना भी तो खास मिलता नहीं है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हूँ। बेजल्स आप लोगों को काफ़ी मोटे मोटे लगते हैं, और 2021 में तो मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे थोड़े अच्छे लगे, इसलिए मैंने लिस्ट में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। बाकी आप लोग अगर इसके स्पेसिफिकेशन और जानना है, लैपटॉप अगर पसंद आया, तो आप लोगों को सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या किया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सभी कुछ लिख के दे दिया हूँ, तो आप लोग जाइएगा तो आप लोग समझ जाइए कि मैं
यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग को और भी अदर्स लैपटॉप्स भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोगों को कोई भी लैपटॉप पसंद आता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक जाते जाते जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। और चलिए इसी बात में मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।